देशभर में तेजी से फैल रही घातक कोरोना वायरस महामारी के बाद से हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। अब रेस्टोरेंट्स से लेकर दफ्तरों और एटीएम में भी आपको सैनिटाइजर की बड़ी बड़ी बोतलें नजर आएंगी, ताकि लोग उसका इस्तेमाल करके खुद को कोरोना संक्रमण से बचा सके। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने बता दिया कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। दरअसल ये मामला केरल के कोझिकोड का बताया जा रहा है, जहां स्थित एक एटीएम से पैसे निकालने के बाद शख्स वहां रखी हैंड सैनिटाइजर की बोतल भी अपने साथ लेकर चला गया। ये वीडियो कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया है। आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए आईपीएस अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा, देश में लाखों एटीएम हैं, इन मूर्खों से सैनिटाइजर बचाने के लिए हर एटीएम में 200-300 रुपए का पिंजरा लगाना पड़े तो सैकड़ों करोड़ रुपए इसी में लगेंगे। आपके मर्यादित आचरण से ये पैसे बचते हैं और आपकी भलाई में ही लगते, खैर हम नहीं सुधरेंगे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पहले शख्स एटीएम में मौजूद हैंड सैनिटाइजर से हाथों को साफ करता है, फिर वो अपने पर्स से कार्ड निकालकर उसे मशीन पर लगाता है। इसी दौरान वो सीसीटीवी और सैनिटाइजर की बोतल को देखता है। पैसा निकालने के बाद शख्स वहां रखी सैनिटाइजर की बोतल को अपने बैग में रखकर वहां से चला जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस शख्स की जमकर आलोचना कर रहे हैं। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो।